नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय प्रायिकता का भाग 9 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था यादृच्छिक चर का माध्य निकालना तथा यादृच्छिक चर का प्रसरण ज्ञात करना। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन के बारे में, अर्थात बर्नौली ट्रायल्स और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, आखिर ये बर्नौली परीक्षण अर्थात बर्नौली ट्रायल्स होता क्या है? तो दोस्तों, वैसे स्वतंत्र परीक्षण जिनके केवल दो परिणाम होते हैं, जो प्रायः सफलता या असफलता कहलाते हैं, उन्हें बर्नौली परीक्षण कहते हैं। जैसे कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास उसके दो परिणाम आते हैं, चित या पट। इसी प्रकार से बल्ब फ्यूज है या ठीक है, या फिर किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना, या फिर किसी बात का निर्णय हाँ या ना आदि। इस प्रकार की स्थितियों में जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, उसमें से एक को हम सफलता और दूसरे को असफलता कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया है, हमने एक सिक्के को उछाला या फिर एक पासे को उछाला, तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? ये सभी हमारे परीक्षण कहलाते हैं, अर्थात ट्रायल कहलाते हैं। यदि हमने मान लीजिए एक सिक्के को 4 बार उछाला है, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायल होगा उसकी संख्या क्या होगी? वो हो जाएगी यहाँ पर हमारी 4। और इनमें से जो हमारे प्रत्येक ट्रायल के हमारे दो परिणाम होंगे, सक्सेस और फेलियर, अर्थात सफलता और असफलता। किसी एक परीक्षण का परिणाम किसी दूसरे परीक्षण के परिणाम से स्वतंत्र होगा, यानी कि जो भी इसके हमारे आउटकम आएंगे वो हमारा किसी दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो हमारे स्वतंत्र परीक्षण होते हैं जिनके केवल दो परिणाम होते हैं, सफलता और असफलता, उन्हें हम बर्नौली परीक्षण कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमने एक सिक्के को 12 बार उछाला है, तो उसमें कम से कम 5 बार चित आने की प्रायिकता अगर हमें ज्ञात करनी है, तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे, जिसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, उन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब आप एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके आपको दो परिणाम मिलते हैं, या तो चित या फिर पट। और यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि उसे हमने 12 बार उछाला है, तो 12 बार उछाला है तो उसके सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? चलिए दो का उदाहरण लेकर देखते हैं हम। जब हम किसी सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो उसके हमें जो सैंपल स्पेस के नंबर मिलते हैं वो होते हैं 4, जो कि होते हैं HH TT HT TH। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें पता लगता है, 2 का हम पावर करते हैं जितने बार हमने उछाला है उसे, तब जाकर हमें प्राप्त होता है हमारे सैंपल स्पेस की संख्या। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी सिक्के को 12 बार उछालते हैं तो वो हमें उसके आउटकम्स मिलेंगे 2 to the power 12, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसे आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4096। तो दोस्तों, इतने बड़े आउटकम्स में से अब ये बताना कि कम से कम 5 बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी, ये तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसके कि सैंपल स्पेस हम चाह के भी जल्दी से लिख नहीं पाएंगे। इसी के लिए हम बर्नौली परीक्षण तथा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं इनका प्रयोग करके। तो आइए देखते हैं कि बर्नौली ट्रायल होने के किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो दोस्तों, एक यादृच्छिक प्रयोग के परीक्षणों को बर्नौली परीक्षण कहते हैं यदि वे निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। पहला है कि परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे ट्रायल्स हैं उनकी जो संख्या होनी चाहिए
वो फिक्स्ड होनी चाहिए, अर्थात फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। दूसरा है कि जो हमारे परीक्षण होंगे वो स्वतंत्र होंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे, और हमारे प्रत्येक परीक्षण के केवल दो परिणाम होने चाहिए, सफलता और असफलता। यानी कि जो भी हम ट्रायल करेंगे वो वैसे ट्रायल्स होने चाहिए जिनके की केवल दो परिणाम होते हैं, सक्सेस या फेलियर, और किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे सक्सेस की जो भी प्रायिकता है वो हमारे सभी ट्रायल्स में सेम होगी। तो दोस्तों, ये कुछ कंडीशन है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जो हमारा परीक्षण है वो एक बर्नौली परीक्षण है। आइए एक उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से हम क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, हमारा उदाहरण है 7 लाल और 9 काली गेंदों वाले एक कलश में से उत्तरोत्तर 6 गेंद निकाली गई। बताइए कि गेंद निकालने के परीक्षण बर्नौली परीक्षण है या नहीं। यदि प्रत्येक निकाल के बाद गेंद को पहला प्रतिस्थापित किया गया हो, दूसरा प्रतिस्थापित न किया गया हो, यानी कि पहला जो है वो हमारा विथ रिप्लेसमेंट है और दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं उन ट्रायल्स को। तो दोस्तों, पहली स्थिति में हमारे जो ट्रायल्स की संख्या है वो फाइनाइट है, तथा यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो गेंद निकाली जा रही है वो विथ रिप्लेसमेंट के द्वारा निकाली जा रही है, अर्थात प्रतिस्थापित करके निकाली जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लाल गेंद का देखें, तो अगर हम पहली बार लाल गेंद निकालेंगे तो उसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो 7/16 आएगी। इसी प्रकार से जब हम दूसरी बार गेंद निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें 7/16 ही आएगी। तो दोस्तों, उन सभी 6 ट्रायल्स के लिए हमारे जो लाल गेंद की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी वो 7/16 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है कि वो विथ रिप्लेसमेंट के द्वारा हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सभी ट्रायल्स हैं उसमें हमारे सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो परीक्षण है हमारा ये एक बर्नौली परीक्षण है, अर्थात बर्नौली ट्रायल है। अब हम देखेंगे हमारी दूसरी स्थिति जिसमें हमने प्रतिस्थापित नहीं किया है। अब यहाँ पर अगर हम लाल गेंद निकाल रहे हैं पहली बार में, तो वहां पर हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिलेगी 7/16। इसी प्रकार से जब हम दूसरी बार निकालेंगे तो वहां पर हमें जो हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो मिलेगी 6/15। और इसी प्रकार से हमारे अगले और सभी ट्रायल के लिए भी हमारी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो बदलते जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो परीक्षण है हमारा ये बर्नौली परीक्षण नहीं है, अर्थात प्रतिस्थापित न किया गया हो की स्थिति में हमारा जो परीक्षण होगा वो बर्नौली परीक्षण नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी बर्नौली ट्रायल्स के बारे में। आइए अब हम जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, एन बर्नौली परीक्षणों में एक्स सफलताओं की जो प्रायिकता होगी वो होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय पी टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, जिसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि है एन सी एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। दोस्तों, इसे आप जरूर से ध्यान में रखें कि जो एन बर्नौली परीक्षण में जो हमारे एक्स सफलताओं की प्रायिकता होगी वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें जो हमारे एक्स सफलताएं की जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, एन सी एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स हमारा होगा 0 से लेकर n तक और जो क्यू होगा हमारा वो होगा 1 माइनस पी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी हमारे एक्स सफलताओं की, अर्थात एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स जो होगा वो q प्लस पी टू द पावर n के विस्तार की x प्लस 1 टू द पावर nवी पद है, अर्थात n बर्नौली ट्रायल्स में जो हमें एक्सपेंशन मिलता है वो हमारा एक्सपेंशन होता है q प्लस पी टू द पावर n का। तो दोस्तों, जो हम नंबर ऑफ सक्सेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर भी हमारे पहले रो में x की वैल्यू होगी,
और दूसरी रो में हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी हमारे सभी एक्स की, जो कि हम ज्ञात करते हैं, जिसका कि सूत्र आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। उसी का प्रयोग करके हम ये टेबल बनाएंगे, अर्थात ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं द्विपद बंटन, अर्थात बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि जो ये एन और पी होते हैं ये पैरामीटर्स होते हैं, जिसका कि अगर हमें मान दिया गया हो तो हम सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे x सफलताओं की प्रायिकता जो होगी उसे हम पी एक्स बराबर स्मॉल एक्स अर्थात पी एक्स के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि बराबर होता है हमारा एन सी एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, जहां पर x जो होगा वो होगा हमारा 0 से लेकर n तक, और q जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होगा 1 माइनस p के। यहाँ पर ये जो px है हमारा, ये हमारे इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अर्थात प्रायिकता फलन है। और जैसा कि आप सब जानते हैं n बर्नौली परीक्षणों और प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता, जिसे हम स्मॉल पी के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बी एन पी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बारे में आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर होगा जब आप एक प्रश्न देखेंगे इस पर आधारित। तो आइए देखते हैं हम उस उदाहरण को। यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है वो है, यदि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला गया तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। पहला है ठीक 6 चित, दूसरा है न्यूनतम 6 चित, तीसरा है अधिकतम 6 चित। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सिक्के को उछालना बर्नौली परीक्षण कहलाता है, इसलिए ये जो परीक्षण होगा हमारा ये भी एक बर्नौली परीक्षण होगा। और यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो 10 परीक्षण में चित आने की संख्या है वो x है। अब यहाँ से हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के n की वैल्यू मिल रही है 10, p की वैल्यू जैसा कि आप सब जानते हैं होगी 1/2। तो दोस्तों ये वैसा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि हमारे n की वैल्यू है 10 और p की वैल्यू है 1/2। अब यहाँ पर हमें निकालने को कहा जा रहा है प्रायिकता ठीक 6 चित आने की। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमारे पास p के साथ साथ q का भी मान होना चाहिए। तो आइए पहले q का मान ज्ञात करते हैं। q जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है 1 माइनस p के, तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे सूत्र के द्वारा, जो की है px is equals to nc x p to the power x multiplied by q to the power n minus x, जहां हमारे x की वैल्यू होती है 0 से लेकर के n तक, और q की वैल्यू जैसा कि आप सब जानते हैं 1 minus p के बराबर होती है। तो जब हम ठीक 6 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगी p6 के मान के बराबर, जिसमें कि जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10c6 multiplied by 1/2 to the power 6 multiplied by 1/2 to the power 4, जिसे आप further solve करेंगे तो आपको ये मिलेगा 10c6 multiplied by 1/2 to the power 10। तो दोस्तों ठीक 6 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हम जानते थे कि यहाँ पर हमारे small x की value होगी वो 6 होगी, जिसे कि हमने हमारे इस formula में substitute किया और आसानी से हमारे पास उसकी प्रायिकता आ गई। लेकिन जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है न्यूनतम 6 चित की प्रायिकता ज्ञात करने की। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों न्यूनतम 6 चित आने की जो प्रायिकता है वो हमें प्राप्त होगी जब हम px is equals to 6 plus px is equals to 7 plus px is equals to 8 plus px is equals to 9 plus px is equals to 10 के मान को जोड़ेंगे तब। और इन सभी का मान आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि px is equals to 6 का मान आपने अभी अभी ज्ञात किया था, उसी प्रकार से आपको सभी x के मान को लिखना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर
पूरा पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकालना है। अगर आपके पास समय है और ये प्रश्न आपसे ज्यादा नंबर में पूछा जा रहा है, तब आप कोशिश कीजिएगा कि इसे आप पूरी तरह से हल करें। अदरवाइज आप इसे जिस प्रकार से हमने इसके पहले भाग में छोड़ा था, उसी प्रकार से आप इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि न्यूनतम 6 चित आने की प्रायिकता हमें क्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि न्यूनतम 6 चित और अधिकतम 6 चित में हम आखिर कैसे संख्याओं को लेते हैं, अर्थात किनके प्रायिकता को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। तो अगर आपसे न्यूनतम 6 चित पूछा जा रहा है, तो आप 6 के बाद के जो आपके सभी प्रोबेबिलिटीज होंगी नंबर की, उसके मान को आप जोड़ेंगे। तो चलिए यही कार्य हम अब करते हैं। यहाँ पर जब हम इन सभी के मान को यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10c6 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 प्लस 10c7 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 प्लस 10c8 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 प्लस 10c9 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 प्लस 10c10 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने प्रायिकता ज्ञात करी न्यूनतम 6 चित आने की। आइए देखते हैं कि अधिकतम 6 चित की प्रायिकता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, अधिकतम 6 चित की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम जो संख्याओं को लेंगे, अर्थात जिन संख्याओं की प्रायिकता को हम यहाँ पर लेंगे, वो होगा हमारा px is equals to 0 plus px is equals to 1 plus px is equals to 2 plus px is equals to 3 plus px is equals to 4 plus px is equals to 5 plus px is equals to 6। अर्थात अधिकतम अगर हमसे पूछा जा रहा है 6 चित आने की, तो उसमें हम 0 से लेकर 6 तक के सभी संख्याओं के प्रायिकता के मान को जोड़ेंगे, तब जाकर हमें प्रायिकता प्राप्त होगी अधिकतम 6 चित आने की। तो चलिए इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके ज्ञात करते हैं अधिकतम 6 चित आने की प्रायिकता। जब हम सभी इसके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा 10c0 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 प्लस 10c1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 प्लस 10c2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 प्लस 10c3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 प्लस 10c5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 प्लस 10c6 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर 10। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम प्रायिकताओं को ज्ञात करते हैं, जिसमें कि हम प्रयोग करते हैं बर्नौली ट्रायल तथा द्विपद डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन का, तब जाकर हम इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और साथ ही आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इस एक्सरसाइज पर आधारित बहुत से प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन के बारे में। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।